बिहार को एक नहीं कई सौगातें मिलने वाली है और इसकी जानकारी दी है बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने। आपको बता दें कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न NH परियोजनाओं के संबंध में उनसे विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसके बाद आज नितिन नवीन ने यानी गुरुवार को उन्होंने प्रेस वार्ता कर इस तमाम मुद्दों पर जानकारी दी। भारत सरकार के साथ बैठक काफी सकारात्मक रहा। नितिन नवीन ने कहा कि करीब 12,000 करोड़ की लंबित परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है और इस तमाम परियोजनाओं पर काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कई परियोजनाओं के बारे में पथ निर्माण विभाग को और राज्य मंत्रालय को जानकारी भी दी गई है और जो बैठक रहा वो बेहद सकारात्मक रहा, तो जल्द ही बिहारवासियों को कई सौगात मिलने वाली है। जरा सुनिए। काफ़ी लंबे समय से कुछ योजनाएं जो निविदा के लिए रुकी हुई थी, करीब 12,000 करोड़ की लागत से ये सारी योजनाएं 30 छः तक जून महीने तक इन सभी 12,000 करोड़ की योजनाओं की निविदा होगी। भारतमाला फेज टू में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में हम लोग बहुत बड़ी योजनाएं जिसका प्रस्ताव हम लोग भारतमाला फेज टू में दिए थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बक्सर से भागलपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस के रूप में बढ़ाया जाए। बक्सर से तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से आ रहा है वो बक्सर तक जुड़ रहा है। अब बक्सर से भागलपुर का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, इस पर मंत्रालय की तरफ से सहमति बनी है और बहुत जल्द उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए केंद्र सरकार की टीम आएगी। तो यानी बक्सर भागलपुर अपने आप में हम कह सकते हैं कि दिल्ली से भागलपुर की पूरी कनेक्टिविटी और पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हम लोग को मिलेगा। जो पटना डोभी का स्ट्रेच है जिसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट पटना डोभी हम लोग 2022 दिसंबर तक कंप्लीट करने की योजना में हैं, उससे काम उसका भी 2.8 किलोमीटर जो पटना से नाथूपुर का था जो मामला फंसा हुआ था उस पर भी सहमति बन गई कि उसको चेंज ऑफ स्कोप के तहत तुरंत में काम उसमें भी लगाया जाएगा। यानी जो पटना अभी तक हम लोग SH नाथूपुर से पटना डोभी बन रहा था, अब पटना से वो डायरेक्ट 2.8 जो सरिस्ताबाद के पास से था, सरिस्ताबाद नाथूपुर से 2.8 किलोमीटर की चेंज ऑफ स्कोप के साथ काम देने का तुरंत हो गया है निर्णय। तो ये पटना वाला स्ट्रेच भी हम लोग का सीधे जुड़ जाएगा। एक हम लोगों ने शुरू में एक प्रस्ताव और दिया था भारतमाला फेज टू में सुल्तानगंज से देवघर सुल्तानगंज, तो कांवड़िया पथ उसके लिए भी टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने आ रही है। हम लोग का प्रयास है कि सुल्तानगंज और देवघर के बीच में पूरा एक ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट रोड बने और साथ में उसमें कांवड़िया पथ हो, ताकि पटना बिहार के लिए जो हमारा देवघर एक बड़ा डेस्टिनेशन है और देवघर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, तो उसके लिए कांवड़िया पथ का भी निर्माण करने की योजना पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है और उसका फिजिबिलिटी के लिए टीम आ रही है।